क्या बात है जी। आई विश आई कुड मेक यू स्मेल द अरोमा हियर, सीरियसली। मतलब उसके बाद में फिर पंजाबी सीख ली। 32 साल से आप लुधियाना में हो? हाँ जी। इसके पहले कहाँ आप चलाते थे? मैं बॉम्बे चलाता था। लुधियाना में पाव भाजी और बॉम्बे में पाव भाजी कोई डिफरेंस है? यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हो आप? धोखा खाना पहियों पे के एक और धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका अपना हरिया, मेरे साथ है हर्ष पाजी और हम खाने जा रहे हैं पाजी पाव भाजी। यार क्या यार जो काम कर दिया। ये जो पाव भाजी है, दिस इज वन सड़कों का बुरा हाल है। सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट इन लुधियाना। एक आंटी है जो कॉलेज रोड पे पाव भाजी बनाते हैं, एंड पाव भाजी का जो फ्लेवर है, वहां पहुंचने के पहले आपको लोकेशन दिखाता हूँ, लोकेशन दिखाने के बाद आपको खाना दिखाता हूँ, फिर उसके बाद उसका टेस्ट टेस्ट दिखाते हैं और कोशिश करेंगे कि जब वो बना रहे होंगे वो आपको कवर करके दिखाऊं। हम पहुंच चुके हैं ये स्टॉल का नाम है। सो ये स्टॉल का नाम है बॉम्बे पाव भाजी, आर के चाप, आर के पिज्जा, ये सब स्टॉल्स के साथ में इन्हीं की स्टॉल्स है सारी। और जो पाव भाजी है वो मतलब मैं आपको अभी जाके बताता हूँ वहाँ पे कैसी है। आओ भाजी। मक्खन भी पालो हाँ। वेलकम टू धोखा खाना पहियों पे अंकल, आपका नाम क्या है? रमेश कुमार शर्मा। अंकल आप यहाँ पे कितनी देर से हो लुधियाना में? 32 साल से आप लुधियाना में हो। इसके पहले कहाँ आप चलाते थे? मैं बॉम्बे चलाता था। बॉम्बे, क्या बात है जी। और ओरिजिनली आप कहाँ से हो? हम जयपुर से। अच्छा, तो जयपुर से बॉम्बे जाना कैसे हुआ? पहले हम छोटे थे, हम 18 भाई बहन हैं। अच्छा, तो रोटी खाने के लिए हम नौकरी करता था, मैं 70 रुपये महीने में, ठीक है, खाली आलू छिलका था। फिर प्याज का आया, प्याज का 90 रुपये महीना मिला, फिर 125 रुपये महीना हुआ।
क्या बात है, 150 महीना हुआ मेरा। फिर मैंने यानी 3 साल में नौकरी की, फिर मैंने दुकान किराया लेकर चलाना शुरू कर दिया था। क्या बात है जी, वहीं पे बॉम्बे में? बॉम्बे में। तो फिर बॉम्बे से लुधियाना आना कैसे हुआ? लुधियाना से प्रिंसिपल थी यहाँ अपने खालसा कॉलेज की, ठीक है, वो मेरे को लेके आई थी यहाँ पर। अच्छा, क्या बात है जी, तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल मैम थे जो वो आपको लेके आए थे? क्या बात, बहुत अच्छी सिटी है, बहुत अच्छा शहर है। प्रिंसिपल मैम जो लेके आए थे, पहले तो सबसे पहले उनका थैंक यू, क्योंकि वो लेके आए आप, हमें टेस्ट करने का मौका मिलता है रोज रोज। अब अंकल ये बताओ एग्जैक्टली कहाँ पे आपकी लोकेशन क्या है स्टॉल की? कुमार मंडी गर्ल खालसा कॉलेज, ठीक है, ठीक है। मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूँ, ये कल्याण ज्वेलर्स हैं, वो देखो सामने कल्याण ज्वेलर्स हैं, यहाँ पे अंकल की स्टॉल है। अंकल एक चीज ये बताओ कि मस्का पाव जो आपका बन वो है, पाव मस्का, मस्का मस्का का क्या रेट है? मस्का का हम 100 रुपए के 4 पीस पाव देते हैं। 100 रुपए में 4 पीस पाव। और पाव भाजी? पाव भाजी 70 से स्टार्ट है। 70 से स्टार्ट, 70, 80, 90। एंड टाइमिंग्स भी बता दो। टाइमिंग 2 से 12:30। दोपहर को 2 बजे से लेके रात के 11:30। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा वो तो पूछना भूल गए ना पा, जो आप तड़का लगा रहे थे उसमें बताओ क्या क्या डाला आपने? थोड़ा मक्खन डाला जाता है पहले, अमूल बटर, ठीक है, अमूल बटर के अलावा कोई मक्खन ठीक है बरता नहीं जाता है, ठीक है, लोग कई लूटेला मक्खन बापते हैं, सिर्फ अमूल चलता है, ठीक है, अमूल डाला जाता है, फिर शिमला मिर्ची प्याज का तड़का लगाया जाता है, ठीक है, अदरक लहसुन नींबू, ठीक है, और मिर्ची, ठीक है, तड़का मारा जाता है उसके अंदर, ठीक है, फिर हमारा पाव में मसाला डाला जाता है। अच्छा, तो मसाला आपका अपना जो आपने बनाया हुआ है? हाँ, जो वो किसी को नहीं बताना? नहीं, वो किसी को नहीं। क्या बात है, वो किसी को नहीं बताना। बट लाइक ऑनेस्टली वो जो मसाला है ना, वो ही आपकी स्पेशलिटी है, वो ही मसाला है, तो फिर हाँ, लहसुन अदरक का तड़का मारा जाता है। क्या बात है जी, क्या बात, फिर लहसुन अदरक मिर्ची डाल के नींबू डाल के फिर उसको सारी सब्जियां आलू टमाटर मटर फूल गोभी बंद गोभी सबका मिक्स करके उसको तड़का लगा दिया जाता है। अंकल मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जो ना यहाँ पे लुधियाना वालों को और बॉम्बे वालों को दोनों को पूछना है कि लुधियाना में पाव भाजी और बॉम्बे में पाव भाजी कोई डिफरेंस है? यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हो आप? नहीं, एक्स्ट्रा ऐड तो नहीं करते हैं, लेकिन बॉम्बे में अब पाव भाजी का थोड़ा पाव का फर्क है वहाँ। अच्छा, पाव का फर्क है। मसाला आपका भाजी एकदम सेम है? सेम है, ठीक है। मुझे लगा यहाँ पे देसी घी डालते होगे थोड़ा पंजाबियों को खुश करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है? मेरे पास अमूल बटर चलता है। अमूल बटर, पाव में क्या डिफरेंस है बॉम्बे में और लुधियाना में? क्या पाव में थोड़ा सा ये पानी का फर्क है, क्या मतलब बॉम्बे में पाव का थोड़ा टेस्ट है, यहाँ पाव का इतना टेस्ट नहीं आ रहा। अच्छा, पाव का उतना टेस्ट नहीं है? बड़ा पाव चलता है, मोटा पाव मिलता है, पाव का टेस्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। भाजी तो उनसे बेहतर मैं दे रहा हूँ बॉम्बे वालों से। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत पाव भाजी में फेल कर दिया सरदार की। बिल्कुल सच बात है, ये सच है, ये तो बिल्कुल अप्रूव्ड है। पर हाँ, पाव में आप बोल रहे हो थोड़ा सा पानी की वजह से डिफरेंस आ रहा है, पाव बेकरी ऐसी नहीं बनी तो मेरे को पाव दे सके, ठीक है। अगर आप कोई बेकरी वाले हो जो आप इन अंकल को बेटर पाव दे सकते हो तो लेट अस नो, मैं इनका फोन नंबर डाल दूंगा यहाँ पे। तो ये वो आंटी हैं जो बहुत शर्माते हैं और कैमरा पे आना नहीं चाहते, बट आंटी आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टॉल है, ये जो सारा कुछ है, ये आपके नाम से चल रहा है। लोगों मतलब लोगों को रेफरेंस क्या है आंटी की पाव भाजी? हाँ जी, बच्चों को जो पहले के बच्चे, ये हमारे मतलब पाव भाजी वाले अंकल आंटी हैं, कपल हैं। एंड कितने साल से मैरिड हो आप? मेरी शादी को गए 35 साल। 35 साल, ठीक है, क्या बात है जी। तो ये है जी, कपल है, बहुत स्वीट सा, एंड दीज आर द पीपल हु सर्व पाव भाजी टू लुधियाना, द बेस्ट पाव भाजी इन लुधियाना। बच्चे मुझे प्यार करते हैं, वही सब आंटी का नाम लेते हैं, भी आंटी की स्पेशल पाव भाजी खाने जाने। तो लुधियाना के सारे बच्चे आपको प्यार करते हैं? हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स भी नहीं आते, उनको कहते हैं मम्मा हमने वही जाने पाव भाजी खाने के लिए। क्या बात, क्या बात, बाई चांस कभी नहीं होती हो तो बच्चे ये कहते हैं आंटी आज है नहीं। आप जब खाते हो पाव भाजी तो जो ये बनती एग्जैक्टली वैसे ही खाते हो? एग्जैक्टली वही खाते हैं। आप कुछ डिफरेंस, कुछ कोई सीक्रेट तो नहीं ऐड करते हैं? डिफरेंस नहीं करते। कोई चीज ऐसी है जो ऐड करते हैं? क्या डालते हो? हरी मिर्ची डाल दो, सारी मिर्ची डाल के। अच्छा, बिना मिर्ची है इनकी मिर्ची। आंटी की पंजाबी मेरे से बेटर है यार, आंटी मेरे से बेटर पंजाबी बोलते हैं। आंटी आप ओरिजिनली कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा की। क्या बात है जी, और पंजाबी मेरे से ज्यादा अच्छी बोल रहे हो आप। करें अभी यहाँ पे आके सिखा दी सरदारों ने पंजाबी बोल दी। क्या बात है जी, सरदार जी क्यों नहीं बोला? अच्छा, क्या बात, मुझे पंजाबी सीखनी पड़ेगी। गल भी सही है, बिल्कुल सही गल है जी। उसके बाद में फिर पंजाबी सीख ली। आंटी ये क्या लगा रहे हो आप, मस्का? ये मस्का नहीं लगा रही, पाव ही लगा रही। ये पाव है, एक मस्का भी लगा दो, एक मस्का भी लगा दो। मस्का लगा।
ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਸਕਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸਕਾ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ I wish I could make you smell the aroma here. Seriously, मतलब ये है जी मस्का ओहो क्या बात है जी ये पंजाब वाला था ना ये पंजाब वाला है एक तो इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई आंटी अंकल के साथ दोनों इतना स्वीट सा कपल हैं और पिछले 32 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं बॉम्बे जयपुर लुधियाना ये सब एरियाज कवर कर चुके हैं एंड आई टेल यू द बेस्ट पार्ट वो ना आंटी बोल रहे थे अंकल को आगे करो अंकल बोल रहे हैं आंटी को आगे करो आंटी को कपल गोल्स बेसिकली दिस इज द पाव भाजी भाजी का हाथ थक जाएगा इसका टेस्ट मुझे पता है मैं दीवाना हूँ यार ओहो नहीं है यार इसका मतलब जवाब ही नहीं है ढूंढ लो मुझे बता दो अगर कहीं इससे बेटर पाव भाजी मिलती है तो क्या मत मारना सच्ची में मिलेगी तो बताना प्लीज नजारेदार पंजाबी चल इसको बाद में फिनिश करते हैं पहले मस्का लगा के ये है जी मस्का पाव एंड आपने बनता हुआ देख लिया है हियर इज अ टेस्ट टेस्ट ऑफ द मस्का लो भाजी चको हो ये जो एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ी हुई है उसका सबसे बड़ा रीज़न पता क्या है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो अरोमा है ना इसका शिमला मिर्च लहसुन जीरा हम ये ख़त्म करते हैं फटाफट से अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस कर देना अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक प्रेस करना दो बार सब्सक्राइब कर देना चैनल को और नीचे कमेंट्स में लिख के बताओ अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे अभी तक हम नहीं गए वहाँ पे हम जाएंगे और खाएंगे हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए एक मिनट भाजी मुँह तेल तो नहीं है टिशू वालो अंकल जी ने टिशू देते हैं गर्मी होगी ना तेल तूल बहुत आने लग गया लो जी मुंडे ने नेरे च ऐनक लाइया हुई